ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट अशरत नदीम को उनके मुल्क में कई अजीबोगरीब इनामों से नवाजा जा रहा है। उनके ससुर ने उन्हें भैंस देने का ऐलान किया है। अरशद नदीम जब से पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल के साथ आए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा रखा है। उनकी उपलब्धि से उनके ससुर इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया है। कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके में ऐसे गिफ्ट परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे बेहद ही सम्मानजनक माना जाता है। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुँचने के बाद उनके ससुर मोहम्मद नवाज ने उन्हें तोहफे में भैंस दी है। अरशद के गांव में भैंस को बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए उनके ससुर ने उन्हें भैंस तोहफे में दी है। दो बच्चों के पिता अरशद नदीम पाकिस्तान के पंजाब के खानेवाल के रहने वाले हैं। उनका परिवार भी आर्थिक तौर पर कमजोर माना जाता है, लेकिन नदीम ने अपने प्रदर्शन से अपने इलाके का गौरव भी बढ़ाया है, क्योंकि साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के बाद पाकिस्तान के खाते में पहला व्यक्तिगत पदक है। कोई भी एथलीट अपने दम पर पदक नहीं ला पाया। अरशद नदीम ने पिछले हफ्ते पेरिस में 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा था। अरशद नदीम को जहां उनके ससुराल से भैंस मिली है, तो वहीं उन पर दूसरे इनामों की भी बारिश हो रही है। इस बीच पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन ने अरशद नदीम को कार गिफ्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अरशद नदीम के फैंस को पुरानी कार गिफ्ट में देना नहीं भा रहा। जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक में मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया, उसे गिफ्ट में भैंस और ऑल्टो कार मिलने से सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।